आगे बढ़ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंच गए हैं और विंध्याचल धाम के दर्शन करेंगे। सीएम इलाहाबाद का भी दौरा करेंगे, साथ ही संगम नगरी में भी योगी अखाड़ा परिषद के नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही अर्धकुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो विंध्याचल के दर्शन करने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आप देखिए मां के दरवाजे पर प्रवेश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री जी की जो गाड़ी है वो अभी अभी आप देखिए यहां पहुंच चुकी है और मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री जी यहां पहुंच चुके हैं। आज मिर्जापुर इलाहाबाद मंडल का दौरा है मुख्यमंत्री जी का और इसकी शुरुआत माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाकर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके पहले भी दो बार मुख्यमंत्री जी माता के दरबार में पहुंचकर उन्होंने दर्शन पूजन किया है। आज तीसरी बार वो माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम जो सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ उनके साथ मौजूद हैं। आधे घंटे तक मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, माँ विंध्यवासिनी के दरबार में वो पूजन अर्चन करेंगे और इसके बाद फिर वो औचक निरीक्षण के लिए निकलेंगे। गोरक्ष पीठ माँ विंध्यवासिनी के दरबार से जुड़ा हुआ है, बहुत पहले से गंभीरनाथ जी के समय से ये परंपरा बनी हुई है और योगी आदित्यनाथ जी उस गोरक्ष पीठ के चूँकि पीठाधीश्वर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, माँ के भक्त भी हैं और इसके पहले भी वो कई बार यहाँ आ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री जी को पता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूर्वांचल और पश्चिम बिहार के जो लोग हैं उनकी बड़ी आस्था रही है माँ के दरबार में और कोई भी जो काम सफल हो जाता है या काम सफल हो इसकी भी भावना लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो चूँकि मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद मंडल का दौरा है मुख्यमंत्री जी का और उसकी शुरुआत वो माँ विंध्यवासिनी के दरबार से कर रहे हैं, उसके बाद इनका औचक निरीक्षण होगा, अधिकारियों के साथ नेताओं के साथ एक बैठक भी होनी है। समीक्षा बैठक में वो तमाम मुद्दे भी डिस्कस करेंगे लेकिन शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने माँ विंध्यवासिनी के दरबार से की है। कैमरा पर्सन बाबूलाल साथ अमित कुमार, जी मीडिया, विंध्याचल।